हेलो एवरीवन, सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बेसिक वीडियो है, बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, पर जो लोग अभी गेम खेलना शुरू किए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। टीम गो रॉकेट के ऊपर वीडियो है, बिल्कुल बेसिक है। हम उन्हें कैसे ढूंढें, कैसे लड़ें और फिर कैसे उनके पोकेमोन्स को पकड़ें। सो ये तीन टॉपिक हैं। सो गाइस, टीम को रॉकेट होती है वो हमें कहाँ मिलता है? पॉकी स्टॉप पे मिलता है। सो गाइस, आप देख रहे हैं ये एक पॉकी स्टॉप है, ठीक है। इसका कलर देखें आप, इसका कलर है डार्क ब्लू। उधर एक दूर दो पॉकी स्टॉप्स हैं, उनका कलर क्या है? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू प्लस ये थोड़े से रोटेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से, इनमें मूवमेंट है। तो मूवमेंट का मतलब क्या है इसमें? एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होते हैं, ये थोड़े से अलग होते हैं। ये मूवमेंट नहीं करते हैं और इनका कलर स्काई ब्लू होता है, जैसे कि नीचे वाले पार्ट में है। सो पहली पहचान ये कि इनका कलर ऐसा हो जाता है। और जब इनका कलर ऐसा हो जाए तो क्या करना है आपको? आपको जाना है वहाँ पर, डिस्क को रोटेट करना है और क्रॉस करना है, तब आप बैटल का ऑप्शन आ जाएगा। वो सब मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। सो गाइस, वो जो दो दूर पे हैं वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, पर ये जो मेरे घर के पास में है ये मैं यहाँ जा सकता हूँ। सो गाइस, इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारे गेम में कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे कि संडे को इंसेंस डे इवेंट होने वाला है, जिसमें कि क्या होगा कि आपको इंसेंस को यूज़ करना है। इंसेंस क्या होता है? ग्रीन कलर का एक आइटम होगा आपके बैग में, आइटम्स में, जिसको यूज़ करने से क्या होगा? देखिए एक मिनट, मैंने आपको अभी यहाँ पर नोटिस कराया था कि इसका कलर चेंज हो गया। सो वो इसका रियल कलर है और ये इसका अलग कलर है। ये दोनों कलर में डिफरेंस दिखा दिया। सो गाइज, इंसेंस का मतलब है कि एक स्मेल छोड़ी जाएगी, फ्रेग्रेंस होगी, जो कि आपके पास आधे घंटे तक कंटिन्यू पोकेमोन्स आते रहेंगे। तो उस इवेंट में क्या है कि टाइम स्लॉट्स हैं, वाटर टाइप, फायर टाइप, ग्रास टाइप, बग टाइप, ग्राउंड टाइप, तो इन टाइप के पोकेमोन्स आते रहेंगे और आप उन्हें पकड़ेंगे। इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ क्या है। पहली बात, ये जो इवेंट चल रहा है इसमें इंसेंस 1 घंटे तक चलेगा। दूसरी बात, आप वो पोकेमोन पकड़ेंगे जो पोकेमोन आप पकड़ते हैं, पर वो पकड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। इस इवेंट के दौरान आप पकड़ेंगे उनको, इवॉल्व भी कर सकते हैं। सो गाइज, संडे को है और अगर आपके पास इंसेंस नहीं है तो आप उन्हें खरीद लें, शॉप से मिल जाएगा। 40 पॉकी कॉइन्स का एक इंसेंस है, तो कम से कम आपको 6 लगेंगे। सो गाइज, अब हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये मेरे घर के सिर्फ जस्ट सामने है। सो हमारी पूरी गली बंद रहती है, तो मैंने अभी ये कुछ पोकेमोन हैं जो कि मेरे पास नहीं रहते हैं, तो मैं उनको पहले पकड़ लेता हूँ। तो अब हम लोग बैटल लड़ेंगे। तो होता क्या है इसमें आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस दूर होंगे इससे, आप पॉकी स्टॉप के पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो क्या होता है, आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे, अभी मैं शो करूँगा आपको, थोड़ा सा दूर चला जाऊँगा। और सो देख रहे हैं आप, एक रेडियस बन रहा है मेरे नीचे पैरों में, एक सर्कल सा बनता जा रहा है। तो वो सर्कल टच होता है ना इसमें, तो ये रेंज होती है। तो अभी ये क्या, सर्कल ढंग से टच नहीं हो रहा है, तो क्या लिखा है? ट्राई अगेन लेटर, वॉक क्लोजर टू इंटरेक्ट द पॉकी स्टॉप। तो ये चीज़ आपको शो होगी जब आप थोड़ी सी दूरी पे होंगे। तो देखिए, अब मैं पास आ गया हूँ, मैंने ये स्पिन डिस्क को स्पिन किया और ये सब मुझे चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मैंने दिन में फर्स्ट टाइम किया है। सो इसका नाम ग्रंट है, तो ये आपसे बातें करेगी। सो यहाँ लिखा है दीज वाटर आर ट्रेचेरियस, मतलब वाटर टाइप पोकेमोन आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाएं। इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमोन, ग्रास टाइप पोकेमोन अपने इसमें रख लें। सो गाइस, मैंने पहले इसी से लड़ाई की है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमोन पहले से एडजस्ट थे। सो गाइस, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये मेरे पास नया पोकेमोन है,
मैं आपको एक टिप दूंगा इसमें कि आप जो पहला पोकेमोन चूज करें वो पोकेमोन सबका बाप हो। जैसे वाटर टाइप पोकेमोन आने वाले हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल टाइप में ऐसा पोकेमोन लें जो आपके पास सबसे स्ट्रांग हो, जिसके अटैक सबसे स्ट्रांग हो। उससे क्या होगा कि आप एक ही पोकेमोन से इनके तीन पोकेमोन हरा देंगे। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक पोकेमोन से तीन पोकेमोन हराएं। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा पोकी बॉल्स मिलेगी जब आप इनके पोकेमोन को रेस्क्यू करेंगे। सो गाइस, टीम गो रॉकेट होता क्या है कि ये एक टीम है, जैसे हम कार्टून में देखते थे बचपन में, वो लोग बार बार बीच में आ जाते थे, चोरी चपारी करते थे, हमारे पोकेमोन्स चुराया करते थे, और भी कई चीज़ें चुराते हैं, आइटम्स चुराते हैं लोग। तो पोकी स्टॉप में ये लोग चोरी करने आते हैं और हम लोग ट्रेनर हैं, और हमें ये मिल जाते हैं तो हम इनको फाइट करते हैं और हम पोकी स्टॉप को सेव करते हैं। तो ये चोरी कर रहे थे, ये हमें मिल गए, अब हम इनसे लड़ रहे हैं। तो आप जब भी टीम रॉकेट से लड़ेंगे, टीम को रॉकेट से, तो उनका जो फर्स्ट पोकेमोन होगा, जो पहले आता है लड़ने के लिए, आप उसको पकड़ेंगे जब इनको हरा देंगे। और अगर आप बाई चांस हार जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग हंसेंगे आप पे और आपको दोबारा फाइट करने का मौका मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ इसमें क्या क्या। देखिए, हमने इसको हराया ग्रंट नाम है, तो हमें दो मिली हैं, हम लोगों ने दो पोकेमोन यूज़ कर लिए हैं और एक बचा हुआ था इसलिए दो मिली हैं। हीरो हूँ मैं इसलिए एक मिली है, प्यूरीफायर हूँ मैं इसलिए एक मिली है। तो ये सब टाइटल्स जो आपको मिल जाएंगे खेलते खेलते। तो अगर आप दो पोकेमोन बचाएंगे तो आपको तीन मिलेगी पोकेबॉल्स, और आप एक बचाएंगे तो आपको दो मिलेगी। तो तीन तो बचेंगे नहीं। सो गाइज, ये वाला पोकेमोन मेरे पास पहले भी था और इसको हम दोबारा पकड़ रहे हैं, और ये तो इजीली पकड़ सकते हैं आप। तो इनको पकड़ने की ट्रिक क्या होती है, जैसे कि मैंने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया। अब सपोज़ कल आपके सामने लेपराज आ जाए तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? तो एक बैरी होती है, बनाना टाइप की होती है, तो उस बैरी का यूज़ करें आप। उस बैरी का यूज़ करेंगे तो आप इनके पोकेमोन्स इजीली पकड़ सकते हैं, रस बेरी और नाना बेरीज, क्योंकि ये बहुत उछलते हैं यार। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।